ओहो, ये भाई क्या बात है। इसे कलाकारी कहते हैं भाई। इंडिया है ये इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे कलाकार मिलेंगे आपको। अभी ये देख भाई, दोबारा बहुत बढ़िया। तो ये देखो भाई, ये है डॉली भैया, जो कि काफी फेमस है नागपुर में। आपने इनका बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आज हम भी पहुंच गए नागपुर इनकी स्पेशल, इनके हाथ की चाय पीने के लिए। तो सिर्फ कलाकारी है एक्चुअली, मेन कलाकारी जो होती है, आपको पता है टैलेंट जिसे कहते हैं, वो टैलेंट है। ये देखो भाई, गिलास रखने का, चाय डालने का, लोगों से बात करने का। ये देख, ये भाई साहब क्या बात है। तो डॉली भैया कितने साल से बना रहे हो? सर अभी मेरे को इतने बजे तो 10 के ऊपर हो गए। 10 के ऊपर हो गए? और कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो यार? सर सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कितने का चाय मिलता है? 7 रुपए। 7 रुपए का एक? क्या बात है। जिसकी जैसी इच्छा उस हिसाब से क्वांटिटी मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो खाने को अगर बात करोगे तो बन वगैरह पड़े हैं। ये देखो चाय, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं। अभी पीछे देख, पीछे नजारा दिखा दे एक बार। ये सारे के सारे बंदे इनके हाथ में चाय पीने के लिए आए हैं। अरे कुछ सब्सक्राइबर भी आए हैं, मजेदार। अब ये देखो भाई, स्टाइल से डलेगा इसके अंदर दूध। हर एक चीज के अंदर स्टाइल है, क्योंकि वही चीज है कि प्रेजेंटेशन जो होती है वो जितनी बढ़िया होती है ना, वही लोगों को ऊपर तक लेके जाती है। दो चाय, ये ले भाई गिलास, देख स्टाइल से उठाने का, बढ़िया। टैग करो उस दोस्त को जो नागपुर में रहता है और उसने यहाँ की चाय नहीं पी। ये लोकेशन कौन सा पड़ता है, एरिया कौन सा? बीसीएस स्टेडियम के ऑपोजिट। बीसीएस स्टेडियम के ऑपोजिट है ये। ये लो भाई, हेलो। ये लो भाई, चाय बढ़िया है इनकी लगता है। तो हर कोई बंदा दो दो चाय पी रहा है। चाय एकदम कड़ रही है, बढ़िया तरीके से फ्लेवरफुल है। आप जब पैसे दोगे ना इनको, तो पैसों के बाद ये देख, सिगरेट दी जा रही है, पर सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। ओ भाई, तो भाई का मानना है कि सिगरेट जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। सरकार मतलब फैक्ट्री बना रही है तो बेच रहा है, जब बंद कर देगी तो ये भी बंद कर देगा। आप दूध डलेगा? ये देख भाई, ठीक है। 7,000 रुपए किलो इलायची है, ये देख रहे हो इलायची। जब आप इनको पैसे दोगे ना, तो उसके बदले ये एक इलायची का दाना देते हैं आपको। खाली हाथ नहीं भेजते भाई, है ना? खाली हाथ नहीं भेजते। एक चाय पिला दो मेरे को भी जरा। ये लो भाई चाय, और ये पैसे पीने के बाद ही। क्या बात है, अगर मैं भाग गया तो कोई बात नहीं। तो डॉली भैया की फेमस चाय, डॉली भैया के साथ मजेदार चुस्कियां लेते हुए। ये देख भाई, चाय डालने का स्टाइल ऐसा। लखनऊ में एक चाय वाला है, शर्मा चाय वाला, वो भी मजेदार बनाता है। वाह भाई वाह, चाय बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। तो जाने भाई, चलो कांटा पकड़ ले। तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे यहाँ पे जो रेगुलर कस्टमर होंगे, आते रहते होंगे चाय के लिए। और बहुत लोग आके इरिटेट भी करते होंगे वीडियो बना के। तो कैसे हैंडल करते हैं उनको? सामने चश्मे की दुकान है, साथ में देख डॉली भैया की फोटो लगी हुई है। यहाँ के मॉडल है ये, और देखने के लिए इनकी कलाकारी देखने के लिए स्पेशली लोग खड़े रहते हैं घंटों घंटों। तो ये मेन चीज है। अभी डालूंगा दो दूध पैकेट। आप दूध डालेंगे भैया? देख रहा और बहुत जल्दी डालूंगा, पहले बता देना भैया। चल चालू कर, चालू कर, चालू कर, चालू कर। ये देखो भाई, ओहो, ये भाई क्या बात है। इसे कलाकारी कहते हैं भाई। इंडिया है ये इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे कलाकार मिलेंगे आपको। अभी ये देख भाई, दोबारा
बहुत बढ़िया। ये लो लो भैया पैसे, ये देख भाई। ओहो भाई, पैसे के पैसे देने के बाद मुझे ये दो इलायची मिली है और 3 रुपए वापस, क्या बात है। वाकई में मजा आ गया, चाय बहुत बढ़िया थी, कड़ी हुई चाय है। लोग लाइन लगा के खड़े हैं सिर्फ इनको देखने के लिए, नहीं चाय पीने के लिए भी। और मैं कह रहा हूँ कि यकीन करो चाय बहुत बढ़िया है, और सर्दी में मिल जाए बढ़िया चाय तो और क्या चाहिए किसी को, सुपर गुड। तो चलते हैं अब हम, डॉली भैया मिलते हैं भाई, दोबारा कभी आएंगे नागपुर जरूर मिलेंगे आपसे। हाथ मिला लो एक बार, थैंक यू सर।